चादर है सदियों से, कब बदलोगे? जीने की आदत है तुमको, जीते कब हो? हंसना भूल गए हो शायद, हंसते कब हो? जब डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरी मौकला जोहा बेगम एक मूजी मर्ज में मुब्तला है, तब दरख्वास्त गुजार सुरैया बेगम ने अपने बेटे पर दबाव डालना शुरू किया कि अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ। तुम ऐसे करो, तुम स्कूल मत जाना, मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? अम्मी, आप ही को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन कार में कैसे लेकर जाएंगे? तुम एम्बुलेंस का फोन करो। अम्मी रोए ना, प्लीज ना रोए, आप अकेले दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे बुला ले, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। पापा की तबीयत कैसी है? जोहा की नब्ज डूब गई थी, लेकिन अब तबीयत काफी बेहतर है। बेटा मुझे उसके पास ले चलो। हाँ जी, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया, बल्कि मुझे भी उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया। अम्मी, इस तरह हम नहीं जा सकते आपा से मिलने, डॉक्टर्स चिढ़ जाते हैं अगर रश लगे तो। हिराज, क्या बात है, इतनी जल्दी दफ्तर से आ गए? तबीयत तो ठीक है? मैं समझता था कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन वो मेरी खाम ख्याली थी। क्या मतलब? आज मुझे मालूम हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप मुझसे भी छुपाती हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसको बुनियाद बना के तुम मुझ पे शक कर रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो? एक बात मुझे सच सच बताइएगा, भाई ने मरने से पहले कोई वसीयत तैयार की थी? उस वसीयत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो कोई वसीयत नहीं लिखी और ना ही मुस्तकबिल में लिखने का कोई इरादा है। बात यह नहीं है, बात यह है कि आपको उस वसीयत का इल्म था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मेरे लिए उस वसीयत की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत थी और है, इसी वसीयत के खौफ से आप पोता हासिल करना चाहती हैं। आंटी प्लीज, आप खुद को संभालें। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर जोहा की तीमारदारी और उसको कौन संभालेगा? मेरी बच्ची कैसी है? जोहा की हालत क्रिटिकल है। याना खैर करे, हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिए क्या हुक्म है, कोई दवा या कोई और चीज? किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बस आप लोग दुआ कीजिए। खुदा के लिए इन्हें संभालो, रो रो के ये अपनी तबीयत और ज्यादा खराब कर लेंगे। आंटी प्लीज, खुद को संभालिए, मैं तो आपकी मिसालें देता हूँ लोगों को कि आप बहुत बहादुर हैं। प्लीज आप खुद को संभालें। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इसका मतलब है कि आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई तो बात थी। चलें ये बताइए कि क्या भाई को अपनी मौत का यकीन था? नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मेरा यास तो सेहतमंद, हंसता खेलता, पता नहीं जोहा ने उसको क्या कर दिया। इसका मतलब है कि भाभी भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। बताइए मतलब क्या तुम्हारा? भाई और भाभी में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अगर इख्तलाफ था तो बात करो आगे।
कहना क्या चाहते हो? मैं इस वक्त आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूं कि वो क्या हालात है जिसकी वजह से भाई ने वसीयतनामा तैयार किया, बताइए मुझे। मैं जानता हूं आपको सिर्फ अंजुम की दौलत नजर आ रही है, उसके किरदार और सीरत से आपको कोई गर्ज नहीं। तुम जो चाहो समझो, आजकल के जमाने में दौलत की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तुम जो ये दिन रात सर खपा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, किस लिए? दौलत के लिए ना, और किस लिए? दौलत की जरूरत और हवस में बहुत फर्क है अम्मी। अगर आपकी नजर में दौलत की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको अपने बेटे और पोते की खुशी का भी ख्याल नहीं, तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो। क्या? आज तक मैंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया, मेरी उस दौलत और जायदाद पर अंजुम का कोई हक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो दौलत मैंने सिर्फ अपनी बीवी और बेटे के लिए कमाया, उस दौलत और जायदाद पर सिर्फ उन दोनों का हक है। इस दौलत और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो, इस पर जोहा और तुम्हारे बच्चे का कोई हक नहीं है। कमाल है अम्मी, जिस तरह मेरी मेहनत पर आप अपना हक जता रही हैं, उसी तरह मेरे बेटे को पूरा हक है कि अपने बाप की दौलत को अपना समझे। तुम होश में नहीं हो इस वक्त अयाज, तुम अगर अपनी सारी दौलत और जायदाद जोहा और अपने बेटे के नाम कर दोगे तो खाओगे कहां से शादी के बाद? अंजुम अपने साथ बहुत दौलत ला रही है, बीवी के पैसे पे ऐश करूंगा? अयाज खुदा के वास्ते बेवकूफी की बातें ना करो। अम्मी ये बातें मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है, अब मेरी वसीयत के मुताबिक मेरे तमाम जायदाद दौलत पे सिर्फ सोहा और मेरे बच्चे का हक। क्या मिला आपको भाई की दूसरी शादी करके? अंजुम की दौलत भी ना मिली, औलाद भी हाथ से चली गई, और जो दौलत आपके बेटे की थी तो उस पर भी आपका कोई हक नहीं रहा। तुम क्या समझते, जोहा ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, उसकी दौलत भी हजम कर लेगी? आपको अब भी उम्मीद है? हैरत है। मैं कभी भी जोहा को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मम्मी भाभी की जिंदगी कितनी रह गई है, वो तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, और आप हैं कि बच्चे हो तुम नहीं समझोगे। मुझे भी पता है कि जोहा के लिए अयाज की दौलत बिल्कुल बेकार है, लेकिन जोहा को ढाल बनाकर उसकी माँ जो खेल खेल रही है वो तुम नहीं समझोगे। अयाज की दौलत का फायदा उसकी माँ और उसकी बहन को होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा पोता मेरे पास आ जाए, ताकि अयाज की दौलत उसके बेटे के काम आए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दुआ करने को कहते हैं। हमारी दुआएं तो भाभी के साथ हैं, अल्लाह ने चाहा तो भाभी को नई जिंदगी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई खिदमत? खान साहब, जोहा की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ तो कीजिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों के जज्बात का एहसास है, लेकिन मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मेरा मतलब है कि जोहा के कोई रिश्तेदार और अजीज हैं तो आप उनको बुला लीजिए, ताकि वो उनसे मिल सके। सोहा का हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है? मेरा मतलब सास, नन, देवर, बेटा। डॉक्टर साहब सोहा का बेटा तो इतना छोटा है कि उसे ये भी एहसास नहीं है कि उसकी माँ किस कदर तकलीफ से गुजर रही है। ठीक है,
बस आप लोग जोहा के लिए दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अब दवाओं ने काम करना छोड़ दिया। कल अदालत में हमारी पेशी है, मुझे अपने वकील पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। मम्मी जान, अगर हमारे केस में जान होगी तो वकील कुछ करेंगे ना, हमें तो सिर्फ एक वसीयत का इल्म है। भाई ने भाभी को और कितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक कह रहे हो, हो सकता है। और अगर भाभी से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो मैं किसी ना किसी तरीके से पता करवा लेता। तो फिर अब क्या करें? ये तो कल हियरिंग के बाद ही मालूम होगा कि हम कहां खड़े हैं। ये केस चाहे कितना ही मुश्किल हो लेकिन मेरे लिए नामुमकिन हरगिज नहीं। तुम देखना, एक दिन मैं अपने पोते को हासिल करके ही रहूंगी, देख लेना तुम। जो ऑनर, पहले तो मैं अपनी मौकला जोहा बेगम की गैर हाजिरी की वजह बताना चाहता हूँ। वो इस वक्त शदीद बीमार हैं और आईसीयू में एडमिट हैं। जो ऑनर, आपकी इजाज़त से मैं इस नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूँ कि सुरैया बेगम जोहा और उसके बेटे की खिदमत करने में मुखलिस क्यों नहीं है। इजाजत है जो ऑनर, सच तो यह है कि शादी के बाद सुरैया बेगम ने कभी भी जोहा को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, तो वो उसकी खिदमत कैसे कर सकती है। जोहा की खिदमत का मतलब है उसकी बीमारी पर कसीर अखराजा। तो फिर सुरैया बेगम अपने पोते की कस्टडी क्यों चाहती है? ये बात भी वाजे है कि उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और उसकी देखभाल पर लाखों रुपए खर्च होंगे। सुरैया बेगम अपने पोते को सिर्फ और सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए हासिल करना चाहती हैं। योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील ये बात भूल रहे हैं कि जिस बच्चे को मेरी मौकिला हासिल करना चाहती हैं उस बच्चे से मेरी मौकिला का खूनी रिश्ता है। वो दरअसल अपने मरहूम बेटे की निशानी को सीने से लगा के रखना चाहती है। योर ऑनर, इस मामले में बच्चे की मोहब्बत है और दौलत की कोई हैसियत नहीं। सुरैया बेगम का असल मकसद अपने बेटे अय्याज अहमद की दौलत को हासिल करना है, और इस बात का सबूत मरहूम अय्याज अहमद की ये वसीयत है जो मरहूम ने अपनी वफात से कुछ अरसा कबल तैयार करवाई थी। इस वसीयत नामे की तस्दीक के लिए जो ऑनर, मैं उस वकील को अदालत में पेश करना चाहता हूँ बतौर गवाह जिसने मरहूम अय्याज अहमद की इस वसीयत को तैयार किया। ठीक है गवाह, आइंदा पेशी पर पेश हो जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद में इफ्तिखार से मालूम हुआ कि भाभी आईसीयू में। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दुआ करने को कहते हैं। हमारी दुआएं तो भाभी के साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो भाभी को नई जिंदगी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई खिदमत? देखिए माजी में जो कुछ हुआ या अब जो हो रहा है वो एक तरफ, लेकिन आज मैं खुलूस दिल से आप लोगों से कह रहा हूँ कि बस आप ही के लिए दुआ करें। आंटी, क्या मैं भाभी से अंदर जाकर मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, अगर डॉक्टर इजाजत दे तो मिल लो। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ।
अम्मी वैसे आज सूरज कहाँ से निकल आया? इन लोगों को भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे तो इसमें भी फरिया बेगम की कोई चाल महसूस होती है। वैसे हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ने? अभी तो केस चल रहा है कोर्ट में, हमारे खिलाफ कोई साजिश ही ना कर बैठे ये लोग। तुम ठीक कहती हो बेटा। अफ़ा, यही हरकतें जहर लगती हैं शिराज की। पता नहीं बगैर बताए कहाँ चला गया। कहाँ चले गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम कहीं जोहा को देखने तो नहीं गए थे? जी हाँ। मुझसे पूछे बगैर? मम्मी दरअसल बात यह है कि हम ये केस हारते जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि अदालत से आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े। मुझे पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बात करो। मम्मी जी, हमें भाभी और उसकी फैमिली से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। ये नहीं हो सकता। ऐसा करना होगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं सुरैया बेगम उस दो टके की औरत के सामने घुटने टेक दे और वो अकड़ कर मेरे सामने चले, मेरा मजाक उड़ाए? मम्मी जी, कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करती। तो फिर तैयार हो जाइए, दो पेशियों के बाद अदालत जब आपके खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी फिर आप चुप हो जाओ शिराज। मैं किसी हालत में भी ये केस हारना नहीं चाहती, मुझे हर हाल में अपना पोता चाहिए। तो ठीक है, फिर आप इस जंग को अपने तरीके से जीतने की कोशिश करें। अच्छा, नाराज मत हो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। मम्मी जी, सबसे पहले तो आप इस केस को बिल्कुल छोड़ दें, इस केस को वापस ले लें आप। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कड़वा घूंट तो आपको पीना होगा। देखिए मम्मी, भाभी की जिंदगी तो चंद दिनों की है, फिर उसकी माँ और बहन से डील करना होगा। पहले भी सारा फसाद इसी का खड़ा किया हुआ था, अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, फिर देखिए कि मैं इस सब मसले को कैसे टैकल करता हूं। प्लीज मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? मेरा तो दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम, मेरा मतलब है कि कुछ लोर कुछ दो के उसूल पर रहते हुए कोई डील, मेरे कहने का मतलब है कि जी आंटी, मैं ये बताने आया था कि वो वकील जिसने वसीयत बनाई है उस पर जोहा की सास ने प्रेशर डाला है कि वो अदालत में हाजिर ना। ये तो बहुत खतरनाक बात है जी, लेकिन आप परेशान ना हों,